राजा पैलेम एक्चुअली ये टाटा स्टील का ब्रीड है ये। हाँ जी। और जैसे हमारे मोदी साहब हैं वो प्रधानमंत्री, तो वो कह रहे थे ना कि भाई हमारे इंडियन ब्रीड को भी थोड़ा आप जो है इंडिया के अंदर लोग जैसे दूसरे कंट्री का डॉग रखते हैं तो अपना अपनी कंट्री का डॉग क्यों नहीं रखते। तो इसलिए ये जो हमारे टाटा स्टील में एक झा साहब थे तो वो एक पेयर लेके आए, मतलब मेल फीमेल का, इसलिए लेके आए कि चलो हमारा इंडियन ब्रीड है, हमारे इंडियन जो है इसको भी रखें, विदेशी नस्ल तो सभी रखते हैं, उसको भी धीरे धीरे करके जो है उसको। और ये ब्रीड वहाँ तैयार किया गया तो बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया, मतलब उसको ब्रीडिंग कराते कराते करते उसको कलर वाइट लाया गया। तो अभी क्या है इसको हम लोग कोशिश करें, जैसे ये टाटा स्टील में है ये, हम लोग कोशिश करके इसको C6 चैम्पियन जैसे हमारा ओबीडियंस के लिए इसको C1 C2 C3 C4 से लेके C6 तक इसको लेके जाएंगे। तो ये अभी तो 9-10 महीने की है ये, तो अभी जैसे C1 में इसको हम लोग इसका नाम क्या है, इसका रानी। रानी तो बहुत लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन नेटिव ब्रीड है, कि हमारा इंडिया का है। तो इस ब्रीड को अगर कोई चाहे तो कोई कौन, मतलब कहाँ से मिलेगा ये ब्रीड? ये ब्रीड जैसे अभी बारीडीह है ना, बारीडीह में वो लोग पेयर लेके आए हैं टाटा स्टील में, झा साहब हमारे, तो वो लेके इसी ख्याल से लेके आए कि इसका हम मतलब इसको पूरा फैलाएं इंडिया में। जैसे अभी जमशेदपुर में मेल फीमेल का पेयर है, अभी टाटा स्टील को मिला, अभी ये अगर यहाँ पे ओबीडियंसी में अगर इसको प्राइज मिलता है फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे ऑल इंडिया में इसको चैंपियनशिप के लिए लेके जाएंगे। लेके जाना मतलब लेके जाएंगे, अभी जैसे कि हम लोग को सेकंड प्लेस मिला कल, तो ऐसे इसको भी धीरे धीरे तैयार करके पूरे इंडिया में इसको ऑल इंडिया चैंपियन इसको बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो अगले साल से जैसे क्लास 4-5 में खिलाएंगे, फिर इसको C6 में खिलाएंगे, तो अगर ये ऑल इंडिया चैंपियन हो गई है होने के बाद में तो फिर टाटा स्टील को वहाँ से कितना बड़ा अवार्ड मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये ब्रीड आप देख सकते हैं रानी इस साल लेके आए थे और बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। हम लोग भी चाहते हैं कि नेटिव ब्रीड के बारे में बहुत लोग जाने, जैसे कि और एक मैडम वहाँ पे भी लेके आई थी पश्मी करके कोई ब्रीड, आपने भी ये राजपलम ब्रीड लेके आए हैं। तो ये जो ब्रीड है कैसा रहता है जो स्ट्रेंजर या फिर दूसरे लोग आते हैं बाहर के लोग, और आज भी बहुत यहाँ पे ब्रीड है, कैसा रहता है इसका व्यवहार? व्यवहार देखिए, एक लोग जैसे अपने इंडियन आदमी वो देखेंगे बोलेंगे नहीं नहीं ये जो है ना ब्रेन से कमज़ोर है, मतलब ये ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन ये भूल है आदमी का, एकदम भूल है हमारे लोगों का। हमारा अपना ब्रीड है, मतलब इंडिया का ब्रीड है, तो आदमी के दिमाग में ये क्यों रहता है कि नहीं ये ट्रेंड नहीं हो सकता, हम इसको जो है ओबीडियंसी में नहीं उतार सकते, वो एकदम भूल। आप इसको तैयार करेंगे तो पूरी तरह से तैयार होगी ये। कितना रिंग हो गया अभी इसका? 9-10 महीने की है ये। नहीं, रिंग कितना हो गया या होगा? नहीं अभी नहीं, अभी लास्ट में इसको उतारना है। इसका तो ये एक्चुअल 11th ग्रुप में है ना, 11th ग्रुप तो अब अपने है नहीं, केवल 10 ग्रुप है, तो इसको रखा गया लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे पूरा नहीं हुआ है। तो इंडिया गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको भी हम रजिस्टर्ड कर दें, तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो या तो 11th ग्रुप में रखेंगे नहीं तो 10th ग्रुप में रहेगा ये, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं मिला है। लेकिन जैसे जैसे लोग जानेंगे इस ब्रीड के बारे में और रखना शुरू करेंगे तभी इस ब्रीड को और आगे भी सफलता मिलेगी। और ये जो हमारा ये KCIV केनल क्लब ऑफ इंडिया, इसमें भी रजिस्टर होके ये खेल पाएगा। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी अच्छी चीज़ें जो लोग नहीं जानते थे सर ने शेयर किया उनका। टाटा इसीलिए इसको लेके अपने पास आई है कि जो है हम इसको तैयार करके दिखाएंगे, मतलब पूरे इंडिया को दिखाएंगे कि देखो लोग कहते हैं कि नहीं राजा पल्यम जो है वो ओबीडियंस में अच्छा नहीं करता है, लेकिन टाटा कंपनी बोली कि नहीं हम इसको तैयार करके दिखाएंगे। और एकदम अभी जैसे C1 में है उतारे थे, बहुत अच्छा काम की उसको, ठीक है कोई प्राइज नहीं मिला वो अलग मसला है, लेकिन इसको अगले साल आप देखोगे इसी ग्राउंड में उतरी के क्लास 4-5 में एकदम बीट करके लोगों को जाएगी, एकदम गारंटी है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, राज्यपालम ब्रीड इतने बड़े ब्रीड से आप कहते आउ इनफर्मेसन दे बहुत देखो सी कमांड दौरान कमांड शुणुची रानी ता
ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ନେଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ କି ଯେଉଁ ଖାସ୍ କରି ନେଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍, ଫରେନ୍ ବ୍ରିଡ୍ ତ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇବା ଆମର ଖାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ନେଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।